वेलकम टू आवर चैनल डेली ब्यूटी केयर। ग्लोइंग और बेदाग स्किन के लिए कच्चे दूध में मिलाएं ये दो चीजें, चेहरे पर आएगी खूबसूरत निखार। स्वस्थ शरीर के लिए दूध बहुत ही जरूरी है। अधिकतर हेल्थ एक्सपर्ट नियमित रूप से दूध पीने की सलाह देते हैं। दूध न सिर्फ हमारे स्वास्थ्य को बेहतर करता है बल्कि स्किन के लिए भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। खास तौर पर कच्चा दूध हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। स्किन पर कच्चे दूध के इस्तेमाल से चेहरे पर प्राकृतिक रूप से चमक आती है। कच्चे दूध में मौजूद तत्व हमारे स्किन को ग्लोइंग बनाता है। इसके साथ ही कच्चे दूध के इस्तेमाल उम्र से पहले आने वाली झुर्रियों को कम करता है। स्किन को जमा रखने के लिए कच्चा दूध बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। यदि आप बेदाग स्किन चाहते हैं तो कच्चे दूध का इस्तेमाल अपने स्किन पर जरूर करें। आइए जानते हैं कि कच्चे दूध का स्किन पर इस्तेमाल करने से होने वाले फायदों के बारे में। कच्चे दूध से स्किन को होने वाले फायदे। स्किन को मॉइस्चराइज करता है कच्चा दूध। स्किन को चमकदार बनाता है। मुहासों को जड़ से समाप्त कर सकता है। सॉफ्ट व बेदाग स्किन के लिए चेहरे पर लगाएं कच्चा दूध। स्किन से जुड़े सभी परेशानियों को दूर करता है। कच्चे दूध के साथ आप इन दो चीजों को मिला सकते हैं। इससे आपकी स्किन और अधिक ग्लो करेगी। आइए जानते हैं उन दो चीजों के बारे में। पपीता और दूध। कच्चे दूध को पपीता में मिक्स करके अपने स्किन पर लगाएं। इससे आपकी स्किन हेल्दी हो सकती है। पपीता एक बेहतरीन एंजाइम की तरह कार्य करता है जो आपके चेहरे से डेड स्किन को बाहर करता है। इसके इस्तेमाल से चेहरे की झुर्रियां, दाग धब्बे कुछ ही दिनों में गायब हो जाते हैं। इसका इस्तेमाल करने के लिए पपीता का गूदा लें। इस गूदे को कच्चे दूध में अच्छी तरह फेंटे। अब इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं। करीब 10 मिनट तक इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं और बाद में नॉर्मल पानी से धो लें। शहद और कच्चा दूध। शहद और कच्चा दूध आपके स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दूध और शहद का मिश्रण आपके चेहरे पर छिपी गंदगी को साफ करता है और आपके चेहरे पर ग्लो लाता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए एक बड़ा चम्मच दूध लें। अब इसमें एक छोटा चम्मच शहद मिलाएं। इसे अच्छी तरह मिक्स करें। चेहरे पर करीब 10 मिनट के लिए लगाएं। इसके बाद नॉर्मल पानी से अपना चेहरा साफ कर लें। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।